Hi guys, this is Wannabe Star Kid. मैं हूँ अमर। यार रिसेंटली जब मैंने एमीवे और डिवाइन दोनों की इंस्टा पे स्टोरी देखी थी तो वो कोई रस के कॉन्सर्ट पे गए थे, आई थिंक इंडिया में कहीं हुआ था उसका। तो मैंने बोला ओके, डिवाइन एंड एमीवे फिर से एक साथ, अभी दो साल पहले बीव हुआ था दोनों ने, मतलब दोस्ती वोस्ती कर ली, ठीक है, हो गया होगा भाई, यू नेवर नो। माँ बाप का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा और बच्चों और माँ का झगड़े के बीच में कोई ना पड़ो। अब मैंने एक और चीज़ सीख लिया, दो रैपर्स के बीच में ना पड़ो, कभी भी आगे जाके दोस्त बन जाएंगे। अब यू नेवर नो, 3-4 साल के बाद एमीवे और कृष्णा भी दोस्ती कर ले। चलो वो बात तो छोड़ो, बट मुझे ये नहीं पता था कि डिवाइन ने रस के साथ कोलैबोरेशन किया है। ओ माय गॉड, वाह। फटाफट से सॉन्ग सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। पहली नजर में लगी बहुत फाया, वाह, वो और उसकी दोस्त दोनों बहुत फाया, वाह, रह गया एक बार ना लौट आया, पड़ गया ठंडा वो निकली छोड़े बॉनफायर। पहली नजर में लगी बहुत फाया, अब वो और उसकी दोस्त दोनों बहुत फाया, अब है गया एक बार ना लौट आया, पड़ गया ठंडा वो निकली छोड़े बॉनफायर। लगती ठंडी हवा वो लगती बॉम्बे, सुंदर है वो घर या काम पे, ब्यूटीफुल, चाहती नहीं कुछ मेरे नाम से, ना खबर उसको मेरे काम या पहचान से। पहले लगा थोड़ा फंस गया मैं, फिर सोचा मैंने वापस, थोड़ा हंस गया मैं, सच बोलू थोड़ा ठस गया मैं, पर उसके लिए लिखे मैंने 10 बहाने। मैं शायर वो शायरी, यूफोरिया तू बन जा मेरी मायरी, से मैं प्यार है मैंने तुझे फसाया नहीं, ऐसी चीज नहीं जो जो मैंने बताया नहीं। भाई मुझे इस बंदे की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, गली गैंग का नहीं बोलूंगा बिकॉज गली गैंग का मैं ज्यादा सॉन्ग्स नहीं सुनता हूँ, डिवाइन के ही सुनता हूँ। बट जो इसके गली गैंग में जो शारुल, एमसी हीम और जो भी एमसी नाम याद नहीं आ रहा, जितने भी हैं डेविल ऐसे ही लोग हैं ना, तो मैं उन लोग के ज़्यादा इतने सॉन्ग नहीं सुनता हूँ, वाइब नहीं बैठता, बट इसके सुनता हूँ। बट एक चीज़ बोलूँगा, ये बंदा ये वर्सेटाइल है भाई। जैसे मैं एमीवे की तारीफ करता हूँ, कुछ भी करा लो, लिटरली कुछ भी करा लो, मोटिवेशनल क्लब में बजाने वाले, बीफ करना है तो बीफ चाहिए बीफ दे देंगे, पार्टी सॉन्ग चाहिए, लड़की के ऊपर चाहिए, वो चल बॉम्बे सुना था ना, चल बॉम्बे तेरे को माँ से मिलाता हूँ, भाई ये भी वैसे ही टाइप का मेरे को, इसलिए ये मेरे को चाहिए भाई हिप हॉप में। आई जस्ट डोंट वॉन्ट की यू गिविंग शॉर्ट्स एंड सप्लीमेंटल टू समथिंग लाइक दैट, आई वॉन्ट मोर फ्रॉम कलमकार। मैं कलमकार इसलिए ज़बरदस्ती घुसा रहा हूँ बिकॉज आप लोग मेरी अगर वीडियोस चेक करते होगे तो मेरे पे हमेशा मेरी कंप्लेन रही है। बट जो अभी रफ्तार का एल्बम आया है मेरे को अच्छा लगा हो, उसमें भी शॉर्ट्स सप्लीमेंटल तो है ही, बट मुझे डिवाइन इसलिए बेटर लगता है भाई। डिवाइन इज एक्चुअली अ डिवाइन पावर मैन, ही डिजर्व्स इट एवरी thing he has right now. से मैं प्यार है मैंने तुझे फसाया नहीं, ऐसी चीज नहीं जो जो मैंने बताया नहीं। पहली नजर में लगी बहुत फाया, अब वो और उसकी दोस्त दोनों बहुत फाया, बह गया एक बार ना लौट आया, पड़ गया ठंडा वो निकली छोड़े बॉनफायर। पहली नजर में लगी बहुत फाया, अब वो और उसकी दोस्त दोनों बहुत फाया, अब बह गया एक बार ना लौट आया, पड़ गया ठंडा वो निकली छोड़े बॉनफायर। चलो भैया एमीवे का आइडल आ गया, अब सुने उसको, रस को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उसमें डिवाइन ने एमीवे को बोला था ना जब पिक्चर क्लिकिंग हो रही थी, आओ ना एमीवे, अब लाइक व्हाट, अरे भाई ये दोस्ती हो गई, भाईचारा मुझ से बढ़ गया। अब चलो सुनते हैं रस को। I was in the times, why? Took me off guard so fast. Had my eyes on the road, I'm about to cry. Yeah, but I don't mind colliding with you. I met your friend on, now I think I'm vibing with two. Shit, dilemma, dilemma, dilemma. I'm in love with you and your friend, yeah. Pehli nazar mein lagi bahut fire. Seriously, bhai, Russ never disappoints in his verses, right? Those dono bahut fire. Ab hai gaya ek baar na laut aaya, pad gaya thanda wo nikli chode bonfire. Pehli nazar mein lagi bahut fire. Ab wo aur uski dost. और मैं ये ट्रैक को एज अ हार्ड वे में नहीं ले रहा था बिकॉज आई नो मैंने रस का जैसे नाम पढ़ा मेरे को लगा हार्ड नहीं होगा, ये एक मेलेडिक वे में
बाउंसी वे में, जंपी वे में, इतना हार्ड, मतलब वैसा हार्ड, वो लड़ाई झगड़ा वाला हार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। हार्ड अगर कोलैबोरेशन की बात होगी तो हार्ड तो ऑब्वियसली है भाई ये कोलैब। मजा आ गया भाई, वाह यार। सो गाइज आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज अभी दो बड़े बड़े एल्बम ड्रॉप हुए हैं, एल्बम नहीं बोलूंगा रफ्तार का ईपी है, तो आपको दोनों में इसके अगर कंपेयर करेंगे तो किसका ज्यादा बेटर लगा, ऐसा ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। डिवाइन के एल्बम, बिकॉज आप लोग होपफुली आप सब गाने सुन चुके होंगे, मैंने तो कभी सारे गाने नहीं सुने हैं। रफ्तार के भी अभी तक मैंने सिर्फ 3 EPs के गाने सुन चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आई थिंक आप लोग ने देख भी लिया होगा। आप मुझे कमेंट में बताना किसका आपको ज़्यादा बेटर लगा। अगर आपको मेरा ये वाला गाना अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मैं आपके लिए मज़ेदार जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोज लाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल देन बाय बाय।